हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लंदन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, कितना एक्सपेंसिव है, कैसे इसको हम इजीली कम्यूटेबल बना सकते हैं, कैसे कौन सी लाइंस चलती हैं यहाँ पे, जोनिंग कैसे डिवाइड होती है, कौन सी बसेस ट्रेन्स हैं जो आप ले सकते हैं, और किस टाइम पर ट्रैवल करना चाहिए, कौन से पीक आवर्स हैं, और ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट थिंग आती है वो ये आती है कि यहाँ का ट्रेन सिस्टम जो कि यहाँ की लाइफ लाइन है और बहुत ही फैला हुआ है, यहाँ पे बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट तरह की ट्रेन है, तो कई बार बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है कौन सी ट्रेन लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। सेकंड ऑप्शन है जो हमारे पास वो है बसेस की। बसेस यहाँ पे जहाँ पे ट्रेन नहीं पहुँचती वहाँ पे के लिए बसेस हैं। बसेस आपको हर जगह पहुँचाती हैं, छोटी छोटी जगह हो या कोई भी दूर की दूर जगह हो, बसेस वहाँ तक चलती हैं। थर्डली यहाँ पे ऑप्शन है आपको कैब्स की। कैब्स भी अलग अलग तरह की है, काफ़ी अलग अलग तरह की कैब कंपनीज हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं, ओला उबर के अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। और उसके अलावा यहाँ पे बोट्स भी चलती हैं जो आप हायर करके, यहाँ बोट्स भी हैं जहाँ जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेन्स की, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे चलती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ की लाइफ लाइन मानी जाती है। आपको कहीं पर भी ट्रैवल करना हो, फर्स्ट ऑप्शन जो बंदे के दिमाग में आते हो यहाँ की ट्रेन्स हैं। तो ट्रेन्स बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट को कहते हैं ओवरग्राउंड, फिर आती है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड को ट्यूब्स भी बोलते हैं। जो थर्ड ऑप्शन आपके पास आती है वो है DLR लाइंस। तो लंदन में जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो मेट्रो लाइंस या ट्रेन लाइंस होती हैं उनको लाइंस में डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली मेट्रो में ब्लू लाइन, पिंक लाइन, येलो लाइन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ आपको आइदर स्टेशन एंड पे या सिटी लाइन के हिसाब से ट्रेन का नाम रखा हुआ है। जैसे पिकेडली लाइन है, नॉर्दर्न लाइन है, सेंट्रल लाइन है, तो अलग अलग नाम, जुबली लाइन है, तो अलग इस तरह के अलग अलग नाम है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन सी लाइन पकड़नी है कौन सी लाइन नहीं पकड़नी है, क्योंकि काफ़ी वास्ट सिस्टम है, काफ़ी वाइड सिस्टम है, बहुत सी ट्रेन बहुत सी लाइन्स पे जाती हैं और बहुत अलग अलग सिस्टम है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि फेयर यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फेयर कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे जोनिंग करी हुई है। तो जोनिंग का मतलब है कि यहाँ पे आपने एक एरिया बना दिया है तो उसको नेम दे दिया जोन 1, तो विच इज़ लाइक अ सर्कल। तो जैसे ये सर्कल बड़ा होता जाएगा तो जोन 2, जोन 3, जोन 4 और टिल जोन 9 जाता है। जो फेयर कैलकुलेट करने का तरीका है कि जोन 1 को सबसे महंगा माना गया है, क्योंकि जोन 1 में पड़ता है आपका सेंट्रल लंदन। सेंट्रल लंदन वही स्पेस है जहाँ पे सारे ऑफिसेज हैं, सारी बड़ी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं और मेन सारी प्लेसेस हैं, वो आपका जोन 1 लंदन पड़ता है। और मोस्टली जो भी ट्रैवल करता है लंदन के थ्रू, जो भी ऑफिस जाने के लिए ट्रैवल करता है मॉर्निंग में, तो सब जोन 1 की तरफ ही सुबह को आ रहे होते हैं, और शाम को ऐसा होता है सब जोन 1 से बाहर जा रहे होते हैं। जैसे जैसे आप जोन 1 से बाहर जाते रहते हैं, जितना दूर जाते हैं, जितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उतना फेयर ज़्यादा बढ़ता जाता है। जैसे अगर आप जोन 1 से जोन 8 पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपका फेयर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जोन 1 टू जोन 2 या जोन 1 टू जोन 3। लेकिन इसमें काफ़ी अलग अलग वेरिएशंस हैं, जैसे कि ऑफ पीक एंड ऑन पीक का भी फंडा आ जाता है कि अगर आप रश आवर्स में ट्रैवल करते हैं या रश आवर्स के बिना ट्रैवल करते हैं तो उसके चार्जेस और अलग हैं। तो फर्स्ट हम यही बात कर लेते हैं कि रश आवर्स कितने बजे से कितने बजे तक होते हैं, या इनको जो यहाँ पे पीक आवर्स माना जाता है। जिनको पीक आवर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं मंडे टू फ्राइडे, बेसिकली जब हर कोई बंदा ऑफिस जाता है तो वो टाइम स्टार्ट होता है सुबह मॉर्निंग 6:30 से 9:30 तक। तो इस टाइम में आपके जो चार्जेस होंगे वो नॉर्मल चार्जेस से ज़्यादा होंगे, अराउंड 50 से 60 पेंस ज़्यादा होंगे आपका जो आपका ट्रैवल चार्ज है उस पर। और शाम को भी ये पीक आवर्स दोबारा स्टार्ट होते हैं 4 PM टू 7 PM तक। तो ये 3 आवर्स की विंडो जो शाम को होती है उसमें पीक आवर्स होते हैं, तो आपको इसमें भी वापस जाने में भी, अपने घर जाने में भी आपको 50 से 60 पेंस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर आप वीकेंड्स पे ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई ऐसा सरचार्ज नहीं देना पड़ता, तो इसलिए कोई पीक आवर्स वाले चार्जेस नहीं लगते हैं, तो आपका चार्ज थोड़ा सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू पीक आवर्स। और इवन विदाउट पीक आवर्स भी पीक ऑफ पीक में भी काफ़ी सस्ता पड़ता है ट्रैवल करना, अगर आपको लंदन में ट्रैवल करना हो। और नेक्स्ट चीज़ ये भी आती है, अगर आप फिर भी अगर मान लीजिए कि आपको ऑफिस जोन 1 में नहीं है, आपको ऑफिस जोन 2 में पड़ता है, और आपके टाइमिंग फ्लेक्सिबल हैं और आपको पीक आवर्स में ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, तो और भी काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो ऐसा है कि जोन 6 से जोन 2 में अगर आप ट्रैवल करते हैं ऑफ पीक आवर्स में, तो 1.55 पेंस में आप ट्रैवल कर सकते हैं, बेसिकली 1.55 में आप ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनकी टाइमिंग फ्लेक्सिबल है और जिनको जोन 1 अवॉइड करना है, जोन 1 में नहीं जाना है। ये एक इंपॉर्टेंट टिप है जिसको याद रखें जब भी आप ट्रैवल करें। तो इस हिसाब अगर आप ये टिप यूज़ करते हैं तो आपको ट्रैवल थोड़ा चीप पड़ सकता है। सेकेंडली बात करते हैं, ये तो हो गया फेयर का, अब ये बात करते हैं कि आपको
पे कैसे करना है, आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं टीएफएल में, टीएफएल है ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, तो जो भी ये सारा ट्रांसपोर्ट है, चाहे बसेस हो गई, ट्रेन्स हो गई, ऊबर हो गई, कैब्स हो गई, बोट्स हो गई, साइकिल्स हो गई इवन, वो सब आता है ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन के अंदर। तो उनकी अपनी वेबसाइट भी है, यहाँ के जो लंदन के मेयर हैं वो ऑन करते हैं, बेसिकली वही चलाते हैं, वही गवर्न करते हैं इन सारी ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की चीज़ों को। तो ये याद रखिए, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो उनकी वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने फेयर तो आपको पता चल गया, तो आपको अगर पे कैसे करना है, तो डिफरेंट तरीके हैं पे करने के। या तो आप ले लें अपना टिकट ले सकते हैं, सेकंड चीज़ है यहाँ की एक कार्ड होता है ऑयस्टर कार्ड, जो कि यहाँ की सारी ट्रेन्स में, सारी बसेस में और हर जगह चलता है, तो आप वो ले सकते हैं। या तीसरी ऑप्शन है कि अगर आपके पास कोई कार्ड है, कोई अपना क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, किसी भी बैंक का कार्ड है, तो उसमें आजकल यहाँ पे ऑप्शन होती है कॉन्टेक्ट लेस की, कि आपको कार्ड स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा पास लेके जाएंगे तो वो आपका रिकॉर्ड कर लेगा ट्रांजेक्शन को। तो बेसिकली अगर आपके पास कॉन्टेक्ट लेस कार्ड भी है तो आप उसके थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं, आपको अलग से कोई कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। तो बात कर लेते हैं किसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो अगर हम टिकट की बात करें, टिकट की राइड हमेशा महंगी पड़ती है और कंपेयर टू ऑयस्टर या कॉन्टेक्ट लेस के, क्योंकि इन्होंने कुछ बेनिफिट्स, कुछ डिस्काउंट दे रखे हैं कि अगर आप टिकट नहीं लेते हैं, आप एक कॉन्टेक्ट लेस या ऑयस्टर के थ्रू पे करना चाहते हैं, तो कुछ कुछ डिस्काउंट मिलता है आपको, तो इसलिए आपकी राइड थोड़ी सस्ती पड़ती है। सेकेंडली बात करें ऑयस्टर की, तो ऑयस्टर की फर्स्ट टाइम पेमेंट है 5 पाउंड की, और वो 5 पाउंड नॉन रिफंडेबल है, वो कार्ड की अमाउंट है, वो आपको कभी मिलेंगे नहीं, तो वो आपके एक तरह से पैसे वेस्ट हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम 5 पाउंड का कार्ड लेते हैं तो उसका आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते, वो आपका ही हो जाता है, वो आप एज ए सुवेनियर उसको रख सकते हैं अपने लिए। थर्ड ऑप्शन आती है आपका कॉन्टेक्ट लेस, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपको चीपर रेट्स भी मिलेंगे और आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो आपका काम बिना एक्स्ट्रा 5 पाउंड खर्चे जैसे ऑयस्टर में उसके बिना ही हो जाएगा। तो आप जब भी ट्रैवल करें तो प्रेफर करेंगे, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, या आप मोनजो भी ट्राई कर सकते हैं एज ए कार्ड ऑप्शन, तो आप उसके थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। ये सारी जो मैंने अभी ऑप्शंस बताई हैं उन लोगों के लिए बेहतर रहेंगी जो कि यहाँ पे ऑफिस के लिए जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको डेली कम्यूट करना है। लेकिन जो लोग घूमने आते हैं, घूमने वालों के लिए एक अलग ऑप्शन भी आता है कि वो ट्रैवल कार्ड्स ले सकते हैं। तो जैसे आपको, मतलब आप 7 दिन के लिए घूमने आए हैं तो यहाँ के 7 डे ट्रैवल कार्ड ले सकते हैं, तो आप अनलिमिटेड ट्रेन्स और अनलिमिटेड बसेस ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, कभी भी बोर्डिंग डीबोर्डिंग कर सकते हैं, तो वो ऑप्शंस हैं। और उसमें भी अलग अलग तरह की टिकट्स आती हैं ट्रैवल कार्ड्स में भी, कभी ऑफ पीक वाली टिकट सस्ती होगी, ऑन पीक वाली महंगी होगी, या सारे दिन वाली महंगी होगी। और उसमें भी ग्रुप ट्रैवल कार्ड्स भी हैं, जिसमें आप, अगर आपका बड़ा ग्रुप है मोर देन 10 पीपल का, तो आप ग्रुप ट्रैवल कार्ड भी ले सकते हैं, जो कि आपको एक सस्ती ऑप्शन पड़ेगी। तो वैसे तो पेंडेमिक के बाद काफ़ी लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिसेज में 2 दिन या 3 दिन जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को 5 डेज जाना है तो वो लोगों के लिए एक ऑप्शन आती है, वो कि मंथली पासिस भी बनवा सकते हैं। मंथली पासिस आपको चीप पड़ते हैं, और उसमें भी 2 टाइप्स के मंथली पासिस होते हैं, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, एक होता है जोन टू जोन। फॉर एग्जाम्पल आप जोन टू में रहते हैं और आप जोन वन में जाना चाहते हैं डेली, और ऐसा भी है कि आपको वीकेंड पे भी कई बार काम पड़ जाता है, आपको ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, इस तरह के कोई भी काम है, तो आप जोन जोन टू जोन वाला पास ले सकते हैं। उसमें ऐसा होगा कि आप जितना मर्जी ट्रैवल करें जोन टू जोन, जोन टू से जोन वन में, तो आपको ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे और आपको मंथली पास में आपका वो सारा चीज़ कवर हो जाएगी। जोन्स का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पॉइंट है, जोन में काफ़ी बड़ा एरिया कवर होता है। जैसे अगर मैं जोन वन में, जोन वन की बात करूँ, उसमें टावर ब्रिज भी आता है, लंदन आई भी आता है, और भी बहुत से एरियाज आते हैं, आपके बहुत से ऑफिस आते हैं। वैसे ही जोन टू में आपका कनेरी वॉर्फ आता है, और भी बहुत सी जगहें आती हैं। तो जोन्स का मतलब ये नहीं है कि एक एक जगह की बात कर रहा हूँ, जोन काफ़ी एक बड़े एरिया को कवर करता है, अगर आप उस एरिया में कहीं भी रहते हैं। अगर आप जोन जोन टू में, जोन टू में, जोन टू से जोन टू में भी ट्रैवल करना चाहते हैं, तब भी वो आपका पास वैलिड रहेगा, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, आपके मंथली पास में भी कवर हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आपको अपने ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, और आपको एक्स्ट्रा ट्रैवल नहीं करना है, तो उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप पॉइंट टू पॉइंट वाला पास लें। तो पॉइंट टू पॉइंट वाला पास और ज़्यादा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू जोन वाले पास में। तो उसमें होता है कि जिस स्टेशन से आप चढ़ेंगे और जिस स्टेशन के आप उतरने की बात करेंगे, आप उन्हीं में, उन्हीं के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, आप और किसी स्टेशन पे नहीं जा सकते हैं उसके थ्रू। तो ये एक उसका बेनिफिट है, अगर आप चीप पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट पास भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। उसके लिए आपको जो स्टेशन हैं, स्टेशन पे जो ऑफिस होते हैं, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे पास बनवा सकते हैं, वहाँ आपकी फोटो भी लगती है,
तो वो एक ऑप्शन आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो रिसेंटली पेंडेमिक के बाद यहाँ के TFL ने एक फ्लेक्सिबल टिकट्स भी लॉन्च करी हैं, जैसे कि जो लोग हैं जो अभी 5 दिन ऑफिस नहीं जाते हैं, जिनको सिर्फ 2 दिन या 3 दिन भी ऑफिस जाना है, उनके लिए फ्लेक्सिबल सीजनल टिकट्स बनाई गई हैं, जो कि थोड़ी और ज़्यादा चीपर पासेज हैं, काइंड ऑफ पासेज हैं जो कि चीपर हैं, और आप अपने हिसाब से अगर आपको हर वीक में 2 या 3 दिन जाना है ऑफिस, तो आप वो ले सकते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन एक्सप्लोर की जा सकती है। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल ट्रैवल का, लेकिन कई बार आता है कि आप डेली ट्रैवल कर रहे हैं, उस ट्रैवल में कई बार हिकअप्स भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पे एज यू गो कर रहा हूँ, पे एज यू गो का मतलब है कि मैं कोई पास नहीं है मेरे पास, बस मैं टैप इन करता हूँ और ट्रैवल करता हूँ, टैप आउट करता हूँ, राइट। अब ऐसा होता है कई बार कि आपके पास जो आपके कार्ड पे है, जब आप नेक्स्ट डे चेक करते हैं, तो आपके चार्जेस ज़्यादा कटे होते हैं, कभी 8 पाउंड, कभी 12 पाउंड, जबकि आपकी राइड सिर्फ 2 पाउंड की होनी चाहिए थी। तो उसका कई बार ऐसा रीज़न होता है कि जो कार्ड मशीन्स हैं वो आपका रीडर पिक नहीं कर पाता है आपके कार्ड को। तो कई बार तो TFL क्या करता है, अगर आपने टैप आउट नहीं किया, तो वो ये करते हैं, वो सबसे मैक्सिमम जो उस डे की कैपिंग है या उस एरिया की कैपिंग है, उस हिसाब से आपका मैक्सिमम जो भी चार्ज है उसको डिडक्ट कर लेते हैं। तो उस केस में आपके क्या करेंगे, आपके तो काफ़ी पैसे कट गए, राइट। बट TFL आपको ये ऑप्शन देता है, आपको ये हेल्प करना चाहता है कि किसी का भी नुकसान ना हो, तो आप TFL की वेबसाइट पे जाके एक लॉगिन बनाएं, उस लॉगिन में अपना कार्ड जरूर रजिस्टर करें, जो भी आप कॉन्टेक्टलेस कार्ड यूज़ करते हैं, ऑयस्टर कार्ड यूज़ करते हैं, और वहाँ पे वो ऑप्शन आ रही हो, इनकम्प्लीट ट्रैवल की ऑप्शन आती है, वहाँ पे आप जाके क्लिक करें, वहाँ बताएं कि आपका लास्ट स्टॉप क्या था और क्या रीज़न था आपका कि आपका रीडर ने चेक नहीं किया है, या जो भी ऑप्शन थी ये आप टैप आउट नहीं कर सके। तो उसके लिए TFL में जाके आप ऑप्शन डाल दें, तो आपका रिफंड आ जाएगा विद इन नेक्स्ट वर्किंग डे। तो ये काफ़ी एक अच्छी ऑप्शन है यहाँ पे कि आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। सेकेंडली, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और नेक्स्ट, एक और बहुत यहाँ की अच्छी एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पे ऐसा भी है कि लेट्स से आप फिर से पे एज यू गो करते हैं, आप डेली एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, और मान लीजिए आपको कुछ काम आ गया, आप वहाँ से तीसरी जगह भी चले गए, राइट। बट आप Zone 2 या Zone 1 के अंदर ही घूम रहे हैं, लेकिन Zone 1 या Zone 2 या मतलब इनमें से किसी भी जोन के अंदर वहाँ की भी एक कैपिंग है कि एक प्राइस तक ही वो आपको चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप Zone 2 से Zone 1 को ट्रैवल करते हैं, और वहाँ से आप Zone 1 से Zone 2 में वापस आते हैं, और फिर Zone 2 से Zone 1 जाते हैं, मान लीजिए आपने 3-4 ये राइड्स कर ली, राइट। तो आपका इस हिसाब से काफ़ी बिल बैठेगा, जैसे 12-15 पाउंड लग जाने चाहिए, राइट। बट आप ये देखेंगे कि आपको सिर्फ 7 या 8 पाउंड कटे हैं, जो कि यहाँ की कैपिंग है, क्योंकि यहाँ पे ये कहते हैं कि एक लिमिट तक ही वो आपको चार्ज करेंगे, उसके ऊपर वो चार्ज नहीं करेंगे। बेसिकली वो आपके फेयर को एज ए पास में कन्वर्ट कर देते हैं, कि पास के अंदर आप कितना भी अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं इन 2 जगहों पे, और आपको उससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, राइट। तो अगर आपने पास नहीं लिया और आप पे एज यू गो कर रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हर हर एक ट्रैवल की कैपिंग है कि अगर आप एक दिन में इन्हीं 2 जगहों के बीच में घूम रहे हैं, तो आपको वो एक अमाउंट से ज़्यादा चार्ज कभी नहीं करेंगे। तो वो कैपिंग भी है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहती है, क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए, कि उसको ज़्यादा चार्ज ये नहीं करते हैं, तो विच इज़ ए गुड थिंग। यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट टिप और दे दूँ, यहाँ पे कुछ कुछ ट्रेन्स हैं, जैसे DLR लाइन्स हैं, वहाँ पे आपको स्टेशन में ऐसे गेट नहीं मिलेंगे कि जिसको क्रॉस करके जब आप टैप करें तो आपको क्रॉस करना है, ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो बस एक बॉक्सेस लगे होते हैं, वहाँ आपको टैप इन करना है, आपने मेरी पुरानी वीडियोस में ज़रूर देखा होगा, तो आपको बस टैप इन करना है और आप ट्रेन में जा सकते हैं। कोई गेट्स नहीं है, कोई कुछ चेकिंग नहीं है वहाँ पे, लेकिन कभी भी ऐसा रिस्क ना लीजिएगा कि आप सोचें कि मैं एक स्टेशन पे टैप इन नहीं करूंगा और टैप आउट नहीं करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। कई बार ऐसा भी होता है कि DLR में चेकिंग भी करते हैं, और चेकिंग के बाद अगर आपको ये टैप इन नहीं हुआ कार्ड, तो आपको 70 पाउंड्स की पेनल्टी भी लग सकती है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, यहाँ पे काफ़ी ओपन सिस्टम है कि यहाँ पे इन्होंने स्पेशली गेट नहीं लगा रखे हैं DLR पे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैप इन ना करें। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो ओवरग्राउंड ट्रेन्स हैं वो ओवर द ग्राउंड चलती हैं, DLR डॉकलैंड एरिया की तरफ आती है, जो ट्यूब्स हैं जो कि सबसे पुरानी है यहाँ पे, जो ट्यूब्स हैं वो अंडरग्राउंड चलती हैं सारी, और मोस्टली सेंट्रल लंडन के थ्रू होते होते आती हैं। तो ये अलग अलग ट्रेन्स हैं, तो और ये सारी इन्फॉर्मेशन है ट्रेन्स के बारे में जो कि आपको मे बी हेल्पफुल हो सकती है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ की बसेस की। जो लोगों को कई बार ट्रेन ऐसा लग सकता है कि ट्रेन हर जगह नहीं जाती है या ट्रेन थोड़ी महंगी पड़ती है, तो नेक्स्ट ऑप्शन उनके पास ये है कि वो बसेस ले सकते हैं।
तो बसेस में क्या होता है कि बसेस का एक फेयर ऑलरेडी कन्फिगर्ड है, चाहे आप कहीं से भी कहीं पे जाएं उसका फेयर लगेगा आपको 1.55। और ये मैं वो बसेस की बात कर रहा हूँ जो कि सिर्फ लंदन के अंदर अंदर चलती हैं, यहाँ की रेड बसेस जो हैं या डबल डेकर बसेस जो कि आइकॉनिक आपने देखा होगा मूवीज में या हमारे वीडियोज में, तो उन ट्रेन्स का जो फेयर है वो 1.55 है, आप चाहे जोन 1 से जोन 5 जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी ऐसा चक्कर है कि अगर आपको बस को चेंज करना है तो आपके पास एक 1 आवर की विंडो है कि आप एक बार बस में टैप इन करेंगे। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं, बस में टैप आउट नहीं होता है, बस में आप सिर्फ एक बार टैप इन करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेट हो जाता है और डिडक्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे 1 फेयर ही है। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार आपको बसेस चेंज करनी पड़ती हैं, तो बसेस चेंज करने की भी आपके पास विंडो है 1 आवर की। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आप 9 बजे किसी बस से उतरे हैं और आपको नेक्स्ट बस पकड़नी है तो 11 बजे अगर आप बस पकड़ेंगे तो आपका नेक्स्ट बस का चार्ज लग जाएगा। लेकिन अगर विद इन 1 आवर जैसे 9 बजे वाली बस से उतरे हैं और 9:30 आपने दूसरी बस पकड़ ली है, तो आपको वहां पे भी आप टैप इन करेंगे लेकिन आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी ऑप्शन है, यहाँ की बसेज हैं काफ़ी अच्छी मेंटेन्ड है, काफ़ी बढ़िया होती हैं, यहाँ पे इतना रश नहीं होता है बसेस में। यहाँ पे जो बसेस होती हैं वो टाइमली चलती हैं, तो आपका वहाँ पे आपके स्टेशन पे वहाँ पे बस नंबर्स लिखे होंगे, यहाँ पे टाइम्स लिखे होंगे कि किस टाइम पे कौन सी बस आएगी। बट एक डाउन साइड भी हो सकता है बसेस का, कई बार ऐसा होता है कि कई बार ट्रैफिक मिल जाता है तो कई बार टाइम भी लग सकता है आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने में। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि ट्रेन में आपको कभी ऑब्वियसली ट्रैफिक नहीं होता है उसमें, और बसेस कई बार ट्रैफिक में फंस जाती हैं तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तीसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे कैब्स की, तो यहाँ पे बहुत बहुत सारी कैब्स हैं, ओला उबर तो है ही, उसके अलावा फ्री नाव है, उसके अलावा बोल्ट है, और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं, मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आप रेफरल बोनसेस ले सकते हैं। और यहाँ की कैब्स की एक मैं ये बात बता दूँ, जैसे ब्लैक कैब्स हो गई या और भी कैब्स हो गई, यहाँ पे सरचार्ज काफ़ी बढ़ जाता है और यहाँ पे कैब्स काफ़ी काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बोट्स। बड़ा अमेजिंग है यहाँ पे कि यहाँ पे रिवर थेम्स में बोट्स चलती हैं, जहाँ जिसको आप यूज़ करके एक्चुअली यूज़ करके अपने ऑफिस जा सकते हैं या किसी जगह पे जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अनकॉमन है बाकी जगह के हिसाब से, इसको रिवर सर्विसेज बोलते हैं। और अगर आपको नज़ारे भी लेने हो और आपको ऑफिस भी जाना हो तो आप बोट से ले सकते हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं बोट्स, बोट के रेट थोड़ी ट्रेन से भी ज़्यादा हैं। और अगर आपने किसी ने हमारी वीडियो नहीं देखी हो, जो हमने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जिसमें हम बोट से सेंट्रल लंदन गए थे, आप उसको देख सकते हैं ऑप्शन लंदन में कम्यूट करने के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो। आपको एक और टिप देना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको कुछ एप्स रखनी चाहिए अपने फ़ोन में, जो कि आपको इजीली बता सकती हैं कौन सी ट्रेन कहाँ से चेंज करनी है, कहाँ जाना है, क्योंकि कई बार ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आपको 2 या 3 ट्रेन चेंज करनी पड़ सकती हैं। तो उसके लिए सिटी मैपर ऐप है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर चेकआउट करें, उसको ज़रूर इंस्टॉल करें और आप अपने डेस्टिनेशन डाल सकते हैं, तो आपको बता देगा कि कैसे आप जा सकते हैं। इवन वो बसेस का भी बताता है, इवन वो कैब्स का भी बताता है कि क्या चीपर पड़ रहा है, और वहाँ पे वो फेयर भी बता देता है उसी टाइम पे कि कितना फेयर लगेगा। सो वीडियो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी हमने इसमें डिटेलिंग करने की कोशिश करी है, सब कुछ बताने की कोशिश करी है, जब हम आए थे हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको बिल्कुल लगा हो कि हल्का फुल्का आपको यूजफुल लगी है ये, तो ज़रूर कमेंट्स में एक बार बताइए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें उससे पता चलता है कि लोगों की एक्चुअल में हम हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम हर कमेंट पे अपने रिएक्ट करते हैं, आपके कमेंट को भी रिप्लाई करेंगे। तो ज़रूर कमेंट करिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिएगा, थैंक यू।